नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज मोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि डीजल लोकोमोटिव को बार बार बंद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसे स्टार्ट करने में ज्यादा तेल खर्च हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जब किसी स्टेशन पर खड़ी होती है तब उसके पेंटोग्राफ को डाउन क्यों नहीं कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर तेल की कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये सच है कि डीजल लोकोमोटिव जब किसी स्टेशन पे खड़ी होती है या फिर किसी एक दो घंटे के लिए उसे खड़ा करके रखा जाता है तब डीजल लोकोमोटिव को बंद नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ा इसका रीजन यही होता है क्योंकि जब किसी डीजल लोकोमोटिव को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में वह 35 से 50 लीटर डीजल की खपत करते हैं। तो इस तरीके से जब इतने ह्यूज अमाउंट में डीजल की खपत होगी तो यहां पर बार बार इसे बंद नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो एक मेन रीजन है ही, लेकिन इसके अलावे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह होता है कि डीजल लोकोमोटिव को बार बार बंद इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बंद करने के बाद उसमें बहुत सारे ऐसे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं जो कि शटडाउन हो जाएंगे, जिससे लोकोमोटिव को फिर से स्टार्ट करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा। जिसमें कि उसमें मान लीजिए कि कंप्रेसर है, अगर वो जो लोकोमोटिव है ट्रेन से कनेक्टेड है यानी कोच से कनेक्टेड है, तो उसमें जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में 5.6 केजी के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसे चलाया जाता है। तो अगर डीजल लोकोमोटिव को बंद कर दिया जाए तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जिससे यहां पर पाइप में जो भी एयर का प्रेशर है वो निकल जाएगा यानी ब्रेक वगैरह रिलीज हो जाएंगे, तो उसे पुनः जो है प्रेशर को मेंटेन करने में समय लगेगा। इसके अलावा और भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है जिन्हें कि चलाए रखना जरूरी होता है। तो यहां पर डीजल के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, जिसके चलते लोकोमोटिव जो डीजल होते हैं उन्हें बार बार बंद नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो चीजें डीजल लोकोमोटिव के केस में हो गई, लेकिन अगर हम बात करें मेन क्वेश्चन की कि आखिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जब किसी स्टेशन पे खड़ी होती है तब उसके पेंटोग्राफ को डाउन क्यों नहीं कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर डीजल की तो कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये सच है कि यहाँ पर पेंटोग्राफ को डाउन किया जा सकता है, लेकिन ये इसे प्रैक्टिकली देखिए। मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई भी हैवी इक्विपमेंट चलने वाले जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो यहाँ पर उसमें तार वगैरह अगर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की खपत तब तक नहीं होगी जब तक कि उसे आप नहीं चलाएंगे। कुछ मान लीजिए कि पेंटोग्राफ जो है किसी OHE से कनेक्टेड है और ट्रैक्शन मोटर नहीं चल रहे हैं, तब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की खपत नहीं होगी। जब ट्रैक्शन मोटर घूमना स्टार्ट करेंगे तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी। तो पेंटोग्राफ वहाँ पर टच हो कर रहे या उसे डाउन करके रखिए, बात वही हो जाती है। लेकिन मेन चीज इससे ये होती है जिसमें यहाँ पर पेंटोग्राफ को डाउन इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव की तरह इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी कंप्रेसर होते हैं, उसके ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें हमेशा रनिंग करके रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कंप्रेसर वगैरह को बंद कर दिया जाए तो फिर से वही एयर का प्रेशर मेंटेन होने में समय लग जाएगा, जिससे यहां पर ट्रेन को स्टार्ट होने में डिले होगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए बार बार पेंटोग्राफ को भी डाउन नहीं किया जाता, जिससे यहां पर पूरे लोकोमोटिव शटडाउन ना हो और इस तरह की समस्या ना हो। तो उम्मीद करते आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसी स्टेशन पर खड़ी होती है तब यहां पर उसके पेंटोग्राफ को डाउन करके क्यों नहीं रखा जाता, जिस तरह से डीजल लोकोमोटिव को बार बार से बंद नहीं किया जाता, जिससे यहां पर ज्यादा डीजल की खपत होने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।